little Bal Mandir children, do you want to know now which video you are going to see today? Yes, today we are going to celebrate Mahashivratri, the festival of Lord Shiva. Do you want to listen to the stories related to the festival? Do you want to know how we celebrate this festival? Then come on, let's call Aishwarya ma'am, Neha ma'am and Zenobia ma'am to keep you all further informed. करता करे नकल सके शिव करे सो होए, तीन लोग नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। बच्चों, शिव यानी कल्याण, जो सबका कल्याण करते हैं। और आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि शिव जी की प्रिय तिथि है और यह शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व है। और बच्चों, यह त्योहार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है। सारा जगत है प्रभु तेरी शरण में, सर झुकाते हैं शिव जी तुम्हारी चरण में। हम बने भोले के चरणों की धूल, आओ शिव जी पर चढ़ाए श्रद्धा के फूल। बच्चों, महाशिवरात्रि का यह पर्व हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार माना जाता है। और महाशिवरात्रि का मतलब है शिव जी की महान रात। इस दिन भारत के सभी मंदिरों को एकदम सुंदर तरीके से सजाया जाता है और उनके भक्त हर हर महादेव ओम नमः शिवाय के जाप करते हैं। और कई लोग तो उपवास भी रखते हैं, यज्ञ करते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन उनके भक्त शिव जी को दूध, जल और पंचामृत का अभिषेक करते हैं और उनको बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। और बच्चों, आपको पता है शिव जी को कौन सा फ्लावर बहुत पसंद है? धतूरे का फूल। धतूरे का फूल शिव जी को बहुत ही पसंद है। और हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है और उसमें से सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग हमारे गुजरात में सोमनाथ में है। और महाशिवरात्रि का यह पर्व भारत देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो बच्चों, आपको देखना है कि किस तरह मनाया जाता है, तो आइए देखते हैं। बताया कि महाशिवरात्रि अलग अलग जगहों पर कैसे मनाते हैं, राइट? अभी सुनते हैं शिवजी से जुड़ी एक सुंदर कहानी। बच्चों, भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है और उनमें से एक नाम है नीलकंठ। आपको पता है हर भगवान के नाम के पीछे एक कहानी छुपी होती है, तो आज हम भगवान शिव के नाम नीलकंठ के पीछे की कहानी सुनेंगे। आओ चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और राक्षस अमृत की खोज में निकल पड़े और उसके लिए उन्हें समुद्र मंथन करना था। समुद्र मंथन क्षीर सागर में करना था। क्षीर सागर को दूध का सागर भी कहते हैं। समुद्र मंथन करते समय सबसे पहले हलाहल विष निकला तो देवता और राक्षस घबरा गए
उन्होंने भगवान शिव को याद किया और उन्हें कहा कि इसका आप कुछ उपाय बताएं। इसका हल निकालते हुए भगवान शिव ने विष का पूरा घड़ा पी लिया, पर उन्होंने ये विष निगला नहीं, उन्होंने ये विष अपने कंठ में रखा, कंठ यानी गला, और इसकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया। इसी वजह से हम भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आपको स्टोरी पसंद आई? क्या आपको समझ में आया कि भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहते हैं? आओ अब खुद भगवान शिव से आशीर्वचन सुनते हैं। भगवान शिव से आशीर्वचन सुनने के बाद हम धन्य हो गए। तो आओ बच्चों, अब देखेंगे एक डांस परफॉर्मेंस बाय योर रैगेजी फ्रेंड्स। क्या ही बात है भोले शंकरा, तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तू साथ है, ओ दूर हो के भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकर, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी, तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही असत्य बाकी जिंदगी बिना सगी है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा।